देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा भी होगा कि काफी समय पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। उस समय हमारे देश के जो वासी थे वो बड़े घुट घुट कर जीवन व्यतीत कर रहे थे और अंग्रेजों के राज्य में वो बड़े दुखी थे। उसी समय कुछ लोगों ने हिम्मत करके उनके विरोध में आवाज उठाई, जो कि ये आवाज उनकी एक शहर से दूसरे शहर और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और फिर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल गई। तो आज जो हम नया खेल खेलेंगे वो इसी विषय में प्रश्न उत्तर के रूप में खेलेंगे। उस खेल के कुछ नियम होंगे, जो नियम आपको दीदी बताएंगी। बच्चों, इस खेल के नियम कुछ इस प्रकार हैं। दीदी जब अपना प्रश्न शुरू करेंगी उसी समय हम कुछ संगीत बजाएंगे और जब वो संगीत बजेगा तो आपको अपनी गेंद को एक बच्चे से दूसरे बच्चे की ओर बढ़ाना होगा, तभी हम संगीत को पुनः रोक देंगे और उस समय जिस बच्चे के हाथ में गेंद होगी उसी बच्चे को जवाब देना होगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तो उसके लिए आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे और अगर उत्तर आधा रह गया, अधूरा होगा, तो उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और अगर बच्चे ने उत्तर नहीं दिया तो उस उत्तर को किसी और बच्चे से प्राप्त किया जा सकता है। तो नियम आप सबको ज्ञात हो गए। अब दीदी आपसे प्रश्न पूछेंगी। तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा कि 1857 का विद्रोह जो था वो किन मुख्य 5 शहरों में फैला। 1857 का जो विद्रोह था वो भारत के किन मुख्य 5 शहरों में शुरू में फैला। गेंद आपके पास आई है, जवाब आप देंगी, बताइए। लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, झांसी। बहुत सुंदर, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है कि यह 5 मुख्य 5 शहरों में जो ये विद्रोह शुरू में फैला वो था लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा और झांसी। तो पूनम जी, इनको पूरे नंबर मिलने चाहिए क्योंकि इनका उत्तर पूरा सही था। नाम क्या है आपका? शहनाज बानो। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, बेगम हजरत महल का कार्य क्षेत्र क्या था। बेगम हजरत महल का कार्य क्षेत्र क्या था। गेंद आपके हाथ में आई है, जाहिर है कि उत्तर आप ही देंगे, बताइए। कोई और बच्चा इसका सही उत्तर दे सकता है? आप बताइए। लखनऊ। बहुत सुंदर, बेगम हजरत महल का कार्य क्षेत्र जो था वो लखनऊ था। आपका नाम? सार्थक चंद्रा। पूनम जी, इनको पूरे नंबर मिलने चाहिए क्योंकि इन्होंने उत्तर पूरा सही दिया। तो अगला प्रश्न है हमारा, बहादुर शाह जफर कौन थे। बहादुर शाह जफर कौन थे। बताइए। आप बताइए। दिल्ली के बादशाह थे। बहुत सुंदर, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया कि बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली के बादशाह थे। जिस समय अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह कर रहे थे उन्होंने दिल्ली के अंग्रेज अफसरों को मार दिया और दिल्ली पर कब्जा करके वहां दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर को बना दिया। आपका नाम क्या है? सचिन भारती। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था। झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था। बहुत
बहुत सुंदर। झांसी की लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। तो इनको पूरे अंक मिलने चाहिए। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि रानी लक्ष्मीबाई किस शहर में शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई किस शहर में शहीद हुई। ग्वालियर में। हाँ बहुत सुंदर। रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर रही थी तो अंतिम समय वे ग्वालियर में थी और वहीं पर वे शहीद हुई। बहुत सुंदर। आपको पूरे अंक मिलने चाहिए। आपका नाम बताइए। देनू पांडे। देनू पांडे। तो बच्चों आज हमने ये खेल खेला। अब दूसरी बार हम जब नया खेल खेलेंगे आप लोग तैयारी करके आइए और इसी तरह हम किसी एक विषय पर प्रश्न उत्तर बनाकर एक नया खेल फिर से खेलेंगे।